सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की शुरू में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन के डायलर को कस्टमाइज कर सकते हो, यानी आप अपने फोन के डायलर को कैसे चेंज कर सकते हो। आप यहां पर देख सकते हो मैंने अपने फोन के डायलर को चेंज कर रखा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम इसी तरह आप भी अपने फोन के डायलर को चेंज कर सकते हो, डायलर को बदल सकते हो। ये जो मेरा फोन है ये रियलमी का फोन है, ठीक है, और यहां पर जो हमारा डायलर है ये iOS का डायलर है, यानी आईफोन का डायलर है। इस तरह गाइस आप बहुत ही आसानी से अपने फोन के डायलर के लुक को चेंज कर सकते हो। इसमें आप अपने फोटोज और वीडियोस को हाइड कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोग अपने फोन के गैलरी के फोटोज और वीडियोस को हाइड करना चाहते हैं तो वो हाइड कर नहीं पाते हैं, ठीक है। दोस्तों जब आप डायलर को चेंज करोगे, ठीक है, डायलर को चेंज करने के बाद आप इस एप्लीकेशन में, इस डायलर में अपने गैलरी के फोटोज और वीडियोस को हाइड कर सकते हो, छिपा सकते हो। आपके अलावा कोई दूसरा बंदा आपके फोटो और वीडियो को नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि आखिर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। अब चले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चले मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने फोन के डायलर को चेंज कर सकते हो, डायलर में आप अपने फोटोज और वीडियोज को कैसे छिपा सकते हो, कैसे आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है जेड डायलर। आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। 4.3 की काफी अच्छी रेटिंग है, 50 मिलियन से भी ज्यादा बार यह एप्लीकेशन डाउनलोड किया जा चुका है। तो ऑलरेडी मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए मैं आपको इसके सेटअप के बारे में बताता हूं। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको होम स्क्रीन से इस डायलर को यहां से रिमूव करना है, इस तरह, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को यहां पर लाकर सेट करना है, इस तरह आपको सेट कर देना है, ठीक है। अब आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एरो पर टैप करना है, इस तरह आपको टैप करते जाना है। अब आपको लेट्स डू इट पर टैप करना है, ओके, परमिशन को अलाउ कर देना है। अब आपको ओके पर टैप करना है। अब आपको यहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन मिलेगा, आपको यहां पर उसका आंसर डाल देना है, ठीक है। आपको यहां पर काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो और आपको यहां पर इस तरह आंसर डाल देना है, ठीक है। इसको सेव करना है। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन यहां पर शो होंगे, ठीक है। अब आपको 4 डिजिट का एक पासकोड क्रिएट करना है, ठीक है। आपको इस तरह पासकोड जनरेट करना है। अब आपको डायल पर टैप करना है, इसको कंफर्म करना है, डायल पर टैप करना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो एक नया यूजर इंटरफेस ओपन हो चुका है, ओके, और यहां पर आप ये डायलर भी देख सकते हो जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है, ठीक है। आप यहां पर नंबर डायल कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो। अगर आप फोटो वीडियो को हाइड करना चाहते हो तो सिंपली आपको पासकोड को यहां पर डायल करना है, हिडन यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहां पर काफी सारी चीजों को हाइड कर सकते हो, ओके, फाइल्स को हाइड कर सकते हो, ऑडियो को हाइड कर सकते हो, वीडियो को हाइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप यहां पर नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। आपको प्लस पर टैप करना है, यहां पर आपको एक नया फोल्डर बनाना है, जैसे हम बना देते हैं इमेज का, ठीक है। इसके बाद आपको क्रिएट करना है, तो यहां पर आप देख सकते हो इमेज का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम कुछ फोटो कैप्चर करते हैं फिर हाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ फोटो कैप्चर कर लिया है, आप देख सकते हो, ओके। अब हम इन फोटोज को हाइड करेंगे, डायलर को ओपन करेंगे, फिर से आपको पासकोड डालना है, इमेज पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड इमेज, आपको इस पर टैप करना है, आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। आप यहां से उस फोटो को सेलेक्ट कर सकते हो जिसको आप हाइड करना चाहते हो, ठीक है। इस तरह आपको सेलेक्ट करना है, डन पर टैप करना है। आप यहां पर देख सकते हो फोटोज ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपसे यहां से परमिशन पूछा जाएगा कि आप गैलरी के फोटोज को डिलीट करना चाहते हो या नहीं, ठीक है।
अगर आप अलाउ कर दोगे तो वो फोटोज डिलीट हो जाएंगे, अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो दोस्तों यहाँ भी वो फोटो रहेंगे, गैलरी में भी फोटो रहेंगे, ठीक है। तो हम अलाउ कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो तीनों फोटो हाइड हो चुके हैं। अब हम गैलरी को ओपन करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो हमने कैमरे से फोटो खींचा था, वो फोटो हाइड हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप उनको दोबारा से वापस लाना चाहते हो तो कैसे लाओगे, ठीक है। आपको डायलर को ओपन करना है, आपको पासकोड को डायल करना है, इमेज पर टैप करना है, आपको सिंपली फोटो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको अनहाइड कर देना है। तो यहां पर हमारे जो फोटोज हैं वो अनहाइड हो चुके हैं, ठीक है। अब हम गैलरी को ओपन करते हैं, आप देख सकते हो हमारे सारे फोटोज अनहाइड हो चुके हैं। इस तरह गाइज आप बहुत ही आसानी से अपने गैलरी के फोटोज को, वीडियोज को, फाइल्स को, ऑडियो को हाइड कर सकते हो। कभी भी कोई दूसरा बंदा आपके फोटो वीडियो को नहीं देख पाएगा। और यहां पर आप ये डायलर देख सकते हो जो कि देखने में काफी कूल लगता है, जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा कि यार भाई आपने अपने फोन में कैसे इस डायलर को इंस्टॉल किया है, कैसे आपने अपने फोन के डायलर को चेंज किया है। और यहां पर अगर आप कॉन्टेक्ट पर टैप करोगे तो आपको iOS का कॉन्टैक्ट लिस्ट भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपनी गैलरी के फोटोज वीडियोज को हाइड कर सकते हो, डायलर को चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।